Welcome friends, in today's session of financial accounting subject. And currently we are dealing with joint venture account chapter. Today we are going to solve one short sum which was asked in our university, Vinarna South Gujarat University, April 2018. This sum has been a bit modified. Kuch changes maine kiye honge. तो मॉडिफाइड सम है. अजय एंड विजय एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर इन्वॉल्विंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ टॉयज. तो दो व्यक्ति मिलके जॉइंट वेंचर कर रहे हैं और इनका काम क्या है, इस जॉइंट वेंचर के अंदर टॉयज बेचना, खरीदना और बेचना, यानी खिलौने खरीद के बेचना. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट परचेज प्राइस ऑफ टॉयज. आपने क्या कैलकुलेट करना है सर, परचेज प्राइस कैलकुलेट करनी है. चलिए तो पहला पॉइंट क्या है सर, सेल्स मेड बाय अजय अमाउंटेड टू ₹31,400 एंड बाय विजय ₹22,500. तो सेल्स किए दोनों ने, अजय ने कितनी सेल्स की है, 31,400 की सेल्स की, और विजय ने कितनी सेल्स की है सर, 22,500. यानी दोनों बंदे ने जो सेल्स की वो दे दिया. इसके बाद दिए कॉस्ट ऑफ टॉयज सोल्ड इज ₹40,500. जो टॉयज बेची है उसकी कॉस्ट प्राइस दी हुई है आपको 40,500, यानी ये जो सेल्स हुआ है उसकी कॉस्ट प्राइस आपको दे दी ऑलरेडी. Unsold toys were taken over by Ajay and Vijay for ₹2,400 and ₹3,600 including profit. यानी ये जो remaining closing stock जो है toys का, unsold यानी का मतलब क्या हो गया, closing stock हो गया. यहाँ पे closing stock आपको already दे दिया है. अजय ने 2400 की toys ली, विजय ने 3600 की toys ली, यानी दोनों ने मिला के कितने की toys ली, ₹6,000 की toys खरीदी है जिसमें profit included है, यानी ये selling price आपको दी. The toys were valued at cost plus percentage of gross profit that was realized on the total sales. यानी वही मैं कह रहा हूँ, सेल्स प्राइस के बेसिस पे आपको दिए, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट एडेड है अंदर, ऐसा कह रहे हैं. जो सेल्स किया गया है, जो सेल्स यहाँ की गई है ना, ये 31,400 और 22, इसके अंदर प्रॉफिट एडेड है. तो अब हमको कैलकुलेट करना क्या है, फाइंड आउट द परचेज प्राइस ऑफ द टॉय. जो ओवरऑल टॉयज है उसकी परचेज प्राइस क्या है ये ढूंढना है. परचेज प्राइस नहीं दी, सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन दे दी, परचेज की हमारे पास नहीं है, तो परचेज प्राइस निकालिए. तो चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल सेल्स. सो टोटल सेल्स पहले निकाल लेते हैं, 31,400 प्लस 22,520, इतने का माल बेचा दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर, दोनों पार्टनर्स ने मिलकर 54,000 का सेल्स किया है. आगे क्या कैलकुलेट करना है देखते हैं. आगे आएगा कॉस्ट ऑफ टॉयज सोल्ड. कॉस्ट ऑफ टॉयज सोल्ड, तो कितने के टॉयज सोल्ड किए सर, 40,500 के टॉयज सोल्ड किए. इसके बाद कॉस्ट ऑफ टॉयज अनसोल्ड, जो टॉयज बेचे नहीं, यानी ये एक तरीके हो गया, एक तरीके से हो गया क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 6,000. तो ये हमारी डिटेल है दोनों. इस डिटेल को अब हम आगे यूज करेंगे और निकालेंगे कि एग्जैक्टली कितना हो रहा है कॉस्ट ऑफ टॉयज टेकन ओवर बाय अजय एंड विजय. तो वैल्यूएशन कैसे होगा, पहले वैल्यूएशन समझ लेते हैं. हमारे पास तीन आंकड़े हैं, तीन नंबर है. एक है टोटल सेल्स, यानी कि ये सेल्स प्राइस है. हमारे पास सेल्स प्राइस है कि इतना माल बेचा है. हमारे पास टोटल सेल्स भी हो गया. देखिए 54 लाख का माल, 54,000 का माल बेचा है और 6,000 का माल खुद खरीद लिया है. टोटल सेल्स है हमारे पास, ओवरऑल सेल्स है हमारे पास 60,000, ठीक है. लेकिन एक्चुअल सेल्स कितना है, 54,000 का एक्चुअल सेल्स किया गया है और ये पड़ा कितने में, 40,500. यानी 40,500 की चीज बेची है 54,000, ठीक है. और अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स प्राइस पड़ा हुआ है 6,000. अब मुझे जो निकालना है कॉस्ट ऑफ टॉयज टेकन ओवर बाय अजय एंड विजय. अजय और विजय ने जो ये 6,000 के टॉयज खरीदे हैं साथ में मिलके, वो कितने में पड़ा है, मैं वो ढूंढना चाहता हूँ.
अगर मैं वो ढूंढ लूंगा तो मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, यानी परचेसिंग प्राइस मिल जाएगी। 54 का मेरे पास कॉस्ट प्राइस है 40,500, लेकिन मेरे पास 6,000 का कॉस्ट प्राइस नहीं है अपने मेन पॉइंट पे आया। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 54,000 की सेल्स प्राइस का कॉस्ट प्राइस 40,500 है, तो 6,000 सेल्स प्राइस की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो उसका वैल्यूएशन कर लेना है आपने। कैसे वैल्यूएशन होगा, 40,500 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40,500 मल्टीप्लाई बाय 6,000 डिवाइड बाय 54,000 करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी ये जो 6,000 सेल्स प्राइस है उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि परचेजिंग प्राइस कितनी है, 4,500। तो 54,000 की कॉस्ट प्राइस 40,500 है, तो 6,000 की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4,500 है। अब मैं अपने फाइनल जवाब पे आ सकता हूँ। अब मैं परचेस प्राइस, ये जो टॉयस बेची गई है टोटल 60,000 की, 54,000 प्लस 60,000 यानी 60,000 का माल बेचा है सेल्स प्राइस पे, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी अब मैं फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों की कॉस्ट प्राइस है। तो क्या बनेगा, परचेस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टॉयस सोल्ड, जो माल बेचा है उसका कॉस्ट 40,500, और जो टॉयज दोनों पार्टनर्स ने खुद खरीद ली है वो, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें परचेस प्राइस मिल जाएगी 54,000 की हो गई इनकी परचेस प्राइस। हमें सिर्फ परचेस प्राइस कैलकुलेट करनी थी जो हमने कर दी। बहुत ही आसान सम है इस तरीके का सम, अगर आपको पूछते हैं सिर्फ आपने परचेस प्राइस ढूंढनी है, कितना आसान सम था। तो परचेस प्राइस ढूंढ लीजिए, 2 मार्क आपके, 3 मार्क आपके, जितने मार्क का भी सम पूछा गया है।